जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश एकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान नेवी के अंदर कुछ न्यू जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं और ये जो जॉब्स हैं ये पाकिस्तान नेवी की सिविलियन ब्रांच की हैं। अब ये पाकिस्तान नेवी की सिविलियन ब्रांच ये क्या होती है और इसी तरह से ये जो आपकी जॉब्स अनाउंस हुई हैं इनके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, किन किन आप जॉब्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में ये भी डिटेल मौजूद है। और फिर इनका आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और मेल कौन सी ब्रांचेस में अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल कौन सी ब्रांचेस में अप्लाई कर सकती हैं, तो ये इसकी मुकम्मल डिटेल आपके साथ में डिस्कस करूंगा। और दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने इसे पहले भी आप लोगों को बार बार बता रहा था कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी या एयरफोर्स या ASF की जो जॉब्स होती हैं इनका इलेक्शन कमीशन के वो जो नोटिस था जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि बैंड हो गई है जॉब, उनके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। ये अपनी रूटीन के साथ ही जॉब्स आती हैं और अभी भी जैसे आपके सामने इनकी जॉब्स आ चुकी हैं और ये जो जॉब्स हैं ये आपकी सिविलियन कैटेगरी की हैं। तो सिविलियन कैटेगरी का जैसे मैंने आपसे जिक्र किया तो वो हम आगे चल के थोड़ा सा बताएंगे कि ये सिविलियन इसको क्यों कहा जाता है। लेकिन उससे पहले आप में से वो स्टूडेंट जिन्होंने इनकी तैयारी करनी है पाकिस्तान नेवी की ब्रांचेस की, तो आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपसे हम बेसिक डिटेल आपकी लेंगे और अगर आपका क्राइटेरिया पूरा हुआ तो फिर हम आपकी तैयारी स्टार्ट करवा देंगे। अगर इसकी फ़ीस की बात करें तो इसमें हम दो टीचर हैं, फीमेल टीचर, वो आपकी इंग्लिश की तैयारी करवाएंगी जो कि हर टेस्ट के लिए लाजमी आपका टेस्ट होगा। तो दूसरे जो सब्जेक्ट होते हैं आपके वो आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड होते हैं कि आपने किस जॉब में अप्लाई किया हुआ। तो हमारी ये 2000 फीस होती है जो हम आपको इंटरव्यू की तैयारी भी इसी के अंदर करवाते हैं। एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा यहाँ पर तैयारी शुरू करने से पहले कि जब भी आपने इसमें टेस्ट में अप्लाई करना है तो आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि ये पूरे पाकिस्तान से लोग इसमें अप्लाई करते हैं, इनकी सीटें थोड़ी होती हैं, जॉब बड़ी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जॉब्स होती हैं लेकिन ये कि इनकी सीटें थोड़ी होती हैं और ख़ासतौर पर फ़ीमेल के लिए तो इसमें थोड़ी सीट्स हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपने इसकी इसमें अप्लाई करना है तो फिर आपने तैयारी भी अच्छी करनी है। बट एनीवे जी, हम चलते हैं इसके सारे क्राइटेरिया। आप अगर पाकिस्तान नेवी के हवाले से कोई भी अपडेट देखना चाहते होते हैं तो आप इनकी वेबसाइट को विज़िट किया करें। तो जैसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते होते हैं जी कि ये पता नहीं ये रियल है या फेक है, तो आपने क्या करना है, अपने मोबाइल के ऊपर आए जॉइन पाक नेवी लिखना है, आपने लिखेंगे तो आप उसको सर्च करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेता है तो इसके ऊपर आपने परेशान नहीं होना, ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और जैसे आप इसमें नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इसका बाकी जो इंटरफेस है वो भी आपको नज़र आ जाएगा, यानी इसमें कौन कौन सी डिटेल है वो भी आपको सामने नज़र आ जाएगी। अच्छा, अब इसमें होता ये है कि लेट्स से कि मैं ये कहता हूँ कि ये सेलर में जॉब्स आई हैं, तो जैसे मैं सेलर पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखें कि ये रजिस्ट्रेशन स्लिप या रिज़ल्ट शो हो रहा है। लेकिन अगर मैं आ जाता हूँ इसी तरह से सिविलियन के ऊपर तो सिविलियन में क्या चीज़ें शो हो रही हैं, अब देखिए सिविलियन में एक तो ये शो हो रहा है कि यहाँ पर व्यू एड, दूसरा लिखा हुआ है व्यू क्राइटेरिया। अब दोनों चीज़ों को देखने के लिए आपने क्या करना है, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे आपको ऑप्शन आ जाती है कि आप इसको डाउनलोड कर लें, तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है और इसको यहाँ से देखना है, ये आपको बड़ी क्लियर पिक आपको नज़र आ जाएगी, यानी वाजे तौर पर नज़र आ जाएगी। और दोनों चीज़ों को आपने डाउनलोड करना होता है, एक तो व्यू क्राइटेरिया भी देखें और व्यू एड भी देखें, ये आपको जो ब्लर आपको मुख्तलिफ ग्रुपों में नज़र आ रही हैं तो यहाँ से आपको ये बड़ी क्लियर नज़र आ जाएंगे, ये आपको समझ आ गई है। दूसरी बात, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि यार आप इस वीडियो को पूरा देखें, मेल है या फीमेल है, वीडियो थोड़ी लेंथी होगी लेकिन मैं सारी जॉब की डिटेल आपको इसी में बताऊंगा। अच्छा, ये ऐड मेरे पास मौजूद है और आपने अगर इसको वाजे तौर पर देखना है, वैसे मैं कोशिश करूँगा इसको यहीं पर ही सारा इसको एक्सप्लेन करूँ, अगर आपने इसको फिर भी आपको यहाँ से क्लियर ना आपको पिक नज़र आ रही हो तो आप इसको वेबसाइट पर जाके भी चेक कर सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये है आपके रजिस्ट्रेशन के हवाले से कि 27 से 10 सितंबर तक आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं या कर सकती हैं, ठीक है। इससे जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा। अब इसमें जो बात आ जाती है वो ये है कि आपकी जॉब्स की डिटेल क्या है। जॉब की डिटेल सबसे पहली बात तो ये है इस्लामाबाद नेवल हेड क्वार्टर, इसको हम कहते हैं हायर फार्मेशन, इसके ऊपर भी मैं वैसे अलग से वीडियो बना भी दूंगा लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ शॉर्ट सा बताऊँगा। इसमें दो चीज़ें आपको नज़र आएंगी, एक हायर फार्मेशन नज़र आएगा और दूसरा लिखा आएगा लोअर फार्मेशन, ठीक है। अब जो हायर फार्मेशन और लोअर फार्मेशन क्या होती है कि जो हायर फार्मेशन है ये इनके नेवल हेडक्वार्टर की जॉब होती है, यानी इस्लामाबाद की जॉब होती है, ठीक है। और इसमें जब भी आपने अप्लाई करना है तो आपने ये देख के अप्लाई करना है कि क्या आप इस्लामाबाद के करीब तरीन या पंजाब के एरिया से बिलोंग करते हैं, तो फिर इसमें अप्लाई करें क्योंकि आपके लिए ये जॉब करना फिर ईजी हो जाएगा। दूसरी बात जो है वो आपकी लोअर जो फार्मेशन है वो आपकी कराची की जॉब होती है, तो कराची के अंदर या इन एरियाज़ में आपको पोस्ट किया जाता है। तो ये आपको चीज़ समझ आएगी लोअर फार्मेशन और हायर फार्मेशन की, बाकी डिटेल में एक और वीडियो में बताऊंगा। अब इसमें हम डिटेल पे आ जाते हैं कि जी बाकी आपकी डिटेल है क्या। देखें, सबसे पहले तो ये हायर फार्मेशन की जॉब है, वो क्या है,
उसके अंदर जो आपकी टोटल सीट है वो 79 सीट्स हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले असिस्टेंट की जॉब है, और ये जो असिस्टेंट की जॉब होती है ये 15 स्केल की जॉब होती है। पंजाब की इसमें टोटल 8 सीट्स हैं और फीमेल की 2 सीट्स हैं, ठीक है। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ अभिषेक, इसको लिख भी लीजिए अगर आपको वाजे तौर पर समय नहीं आ रहा। तो तकरीबन यही चीज़ें होती हैं हर दफ़ा जो भी आपके सामने आ रही होती हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो पिछला ऐड है वो भी दिखा दूँ ताकि आपको ये चीज़ें वाजी हो जाएँ। उसके बाद ये कि जब आप भर्ती हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आपकी एक ट्रेनिंग होती है, वो NITB होती है, उसको कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोर्ड। इस तरह का ये होता है, और ये आपकी बाद की ट्रेनिंग है, पहले नहीं। लेकिन बेसिक आपको जो चीज़ें आनी चाहिए वो एक तो बेसिक आपकी बैचलर डिग्री, दूसरा ये कि आपको कंप्यूटर का आपको सारा टाइपिंग और आपकी ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है, फिर फोटोग्राफर की जॉब है, LDC की इसमें जॉब है, जो कि फीमेल के लिए इसके अंदर जो जॉब है वो एक, इसमें भी सिर्फ एक जॉब है, और LDC की जो जॉब है वो आपके सामने है कि 4 इसकी सीट्स हैं, ठीक है। तो ये तो मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सीट्स हैं, इतनी ज़्यादा इसमें सीट्स नहीं हैं। तो आप अगर इसमें अप्लाई करना चाहें तो कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे जो ब्रांच है वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ये एक ब्रांच है, ये अप्रेंटिसशिप क्या होती है? अप्रेंटिसशिप के ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है कि ये अप्रेंटिसशिप होती क्या है। अब जो सिविल अप्रेंटिसशिप, ये है कि आप में से वो स्टूडेंट जो इनके क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, यानी जो मैट्रिक है वो 55% आपके मार्क्स होने चाहिए, और सीट्स भी बता दी गई हैं कि 45% बलूचिस्तान के लिए, और 3 साल का आपको डिप्लोमा ये अपने एक्सपेंसेस के ऊपर करवाते हैं। ये बड़ी अच्छी किस्म की जॉब होती है। 150 टोटल इनकी सीट्स हैं, और इसमें जो पंजाब की सीट है वो 43 हैं, और सिंध के लिए इसमें 7 सीट हैं, और सिंध जो देही है उसके लिए 9 सीट्स हैं, KPK के लिए सीट है। वही सारी डिटेल आपको ऐड में मिल जाएगी। तो ये इनकी मतलब एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें ये स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं और उनकी स्टडी खुद करवाते हैं, 3 साल का उनको डिप्लोमा भी करवाते हैं, उनको सैलरी भी देते हैं, और उसके बाद फिर इन्होंने वहाँ पर ही जॉब करनी होती है 5 से 6 साल। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई। अब उसके बाद हम बाकी चीज़ों की तरफ आ जाते हैं, वो आपकी क्या डिटेल है, वो है आपकी लोअर फार्मेशन की। वो मैंने आपको ऊपर बता दिया हुआ है, और इसमें सारी रिक्वायरमेंट भी लिखी हुई है। तो सबसे पहले तो इसमें आप देखें कि इसमें जो सीट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, यानी कि टोटल जो 374 सीट्स हैं इसके अंदर। तो इसमें सबसे पहले आप देखें तो स्टेरोटाइपिस की सीट है, जिसके अंदर ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं करते। और उसके बाद जो मेन जो इसमें आ जाती हैं वो आपकी आ जाती हैं UDC। UDC का मतलब होता है कि जो अपर डिवीजन क्लर्क है, और LDC का मतलब होता है जो लोअर डिवीजन क्लर्क है, यानी ये क्लर्क की जॉब्स होती हैं। अब जो UDC की जॉब है ये ऑफिस जॉब होती है, और इसी तरह से LDC की जॉब जो है ये भी ऑफिस जॉब होती है, यानी ऑफिस वर्क होता है आपका कंप्यूटर के ऊपर। अब जो LDC की जॉब है ये टोटल 115 है, और UDC की जो जॉब है वो 15 है। मेल और फीमेल इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट आपके लिए रिक्वायरमेंट है UDC में, यानी अपर डिवीजन में अगर आपने अप्लाई करना है 13वें स्केल के लिए। तो अगर आपने LDC में अप्लाई करना है तो मैट्रिक आपकी होनी चाहिए, ठीक है, और इसमें टाइपिंग स्पीड भी आपकी होनी चाहिए, यानी आपके टाइपिंग स्पीड आपकी लिखी हुई है कि 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। बाकी इसमें डिटेल के अंदर इतनी ज़्यादा कोई बाकी इनकी जॉब्स नहीं है, और इसमें अगर एक जॉब उसको देखें जो इसमें स्टूडेंट काफ़ी अप्लाई कर लेते हैं, और वो जो इनकी जॉब है वो है इनकी पुलिस कॉन्स्टेबल के हवाले से, ठीक है। पुलिस कॉन्स्टेबल की 28 सीट है, 5.7 इनकी जो हाइट है वो रिक्वायर्ड है, और ये आपकी मेल की ही इस दफ़ा है, फीमेल की इस दफ़ा जॉब्स नहीं आएंगे। तो एनीवे ये था इसका एक छोटा सा इसका टच, और मैंने कोशिश की है कि आपको एक ही वीडियो के अंदर इनकी डिटेल बता दूं। बाकी भी जो जो आपके क्वेश्चन सामने आते जाएंगे इंशाल्लाह वो भी आपको बताते जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।